सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यह धमकी दी है जान से मारने की। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पप्पू यादव को यह धमकी दी गई है। मयंक सिंह नामक व्यक्ति ने पोस्ट कर यह धमकी दी है। पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिख दिया है। गृह मंत्री से पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी है। ये बड़ी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के द्वारा पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के बाद अब पप्पू यादव कहने के अपने आप को बेसहारा समझने लगे। उन्हें लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है और वो अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और पूर्णिया ब्यूरो जी प्रफुल्ल जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, अब पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी है, ऐसे बयान देते ही क्यों है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाने को लेकर वो सोचने लगने जाते हैं? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पिछले दिनों मुंबई के सबसे बड़े व्यापारी और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद पप्पू यादव का बयान आया था कि अगर कानून इजाजत देती है तो इस 2% के अपराधी को 24 घंटे में समेट दूंगा। इसके बाद से ही जो है ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा लगातार जो है पप्पू यादव से जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, कई धमके भरे जो है व्हाट्सएप चैट आए हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो रिकॉर्डिंग आया है, और जेल का जो जैमर है उसको बंद करके लॉरेंस बिश्नोई ने जो है पप्पू यादव को कॉल किया था। और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसके द्वारा भेजा जा रहा है उसका कहना है कि पर मिनट लाख रुपया लगता है, तुमने फोन नहीं उठाया है, तुम्हारे पूरे ठिकानों का पता मैंने लगा लिया है, तुम्हारा कहाँ कहाँ घर है, तुम कहाँ कहाँ बैठते हो। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से यह स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है कि पप्पू यादव के जान को खतरा है। पप्पू यादव ने गृह मंत्री को जो है वो पत्र लिखा है कि मेरी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी कई असमाजिक तत्वों के द्वारा लगातार उनको धमकी दी गई थी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई जो पूरे देश में अभी फेमस है, लगातार घटनाएं कर रहा है, सलमान खान को धमकी दिया है, उसी के सपोर्ट में पप्पू यादव ने जब बयान दिया, इसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा सांसद का कहना है। उन्होंने कहा है कि मैं पुलिस मुख्यालय तक को लिखा हूं, डीजीपी तक को पत्र लिखा हूं, पूर्णिया के एसपी, कटिहार के एसपी, मधेपुरा के एसपी तक को मैंने पत्र लिखा है, लेकिन किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि 21 अक्टूबर को पूर्णिया के जो सांसद है, निर्दलीय सांसद है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर सारी बात बताई है और उनका अपनी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित दिखाई दिए हैं। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही प्रफुल जी, अब लग रहा है कि पप्पू यादव डर गए हैं और बिलबिलाने लगे, शायद ये वजह कि अब उन्हें अपनी जान का डर भी होने लगा है और सुरक्षा की मांग उन्होंने कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।